Hello and good morning everyone. Good morning India. Good morning students. Good morning all the aspirants who are attending this session. Today we are on Wi-Fi Study Studios channel, which is India's number one platform where we study and prepare for banking, SSC and all other examinations, all competitive examinations. And today the session is based on homonyms. We are going to discuss. आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो बहुत सुना होगा. व्हाट आर होमोनिम्स? तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि होमोनिम्स क्या होते हैं, बिकॉज सिनोनिम्स तो हमें पता है. सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग वर्ड, राइट? सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग वर्ड. सिमिलरली एंटोनिम्स क्या होते हैं? Opposite, dissimilar meaning words. But आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि क्या होते हैं होमोनिम्स. जी हाँ, आज के सेशन में हम पता करेंगे कि होमोनिम्स क्या होते हैं आखिर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर और बात करते हैं होमोनिम्स के बारे में ऑन Wi-Fi Study Studios चैनल. जिसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और सेशन को भी ढेर सारा प्यार देना है विद वन एंड ओनली, फॉर वन एंड ओनली योर आंचल मैम, जिनके साथ आप सीखते हैं इंग्लिश, जिनके साथ आप करते हैं इंग्लिश की तैयारी. और आप जुड़ चुके हैं इस समय मेरे साथ सभी सुबह के 6:30 बजे होमोनिम्स के इस सेशन में. सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन टुडे. ओके, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स एंड इन वेरी ब्रीफ. You can follow me on Unacademy. All you need to do is download the app Unacademy, and after downloading, type my name ANCHALSING H, right? जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी पिक्चर लगी होगी यहाँ पे, by clicking on follow button, right? So you can follow me on Unacademy by typing my name. And if you want to, classes are free on Unacademy. You can do all the special classes. But if you want to buy a subscription, you can use my code ANLIVE. How are you going to use this code? I will tell you. First select, excuse me. First select your bank exams, SSC exam, your choice of examination, जिसके लिए भी आप prepare कर रहे हो या prepare करने जा रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल आप बैंक एग्जाम चूज करते हो, देर आर प्लान, है ना, 1 month plan, 3 month plan, 6 month plan, 12 month plan एंड 24 month plan. अगर आप ग्रेजुएट ईयर्स में हैं, ग्रेजुएटिंग ईयर्स में हैं और आप अभी तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं या आप थर्ड ईयर में हैं, सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 24 month plan. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, यू हैव ऑलरेडी अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन, आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 12 month course, राइट? एंड द कोर्स फी इज 6,000. What is the course fee? The course fee is 6,000. But आपको 6,000 pay करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कैसे? आपको type करना है सिर्फ ये. This is code, my code, ANLIVE, ANLIVE, ANLIVE. कुछ भी बोल लो, जो भी आप blessings देना चाहते हो उस हिसाब से use कर लो, ठीक है? So आप जैसे ही इसको यहाँ करोगे type, यहाँ ओके बटन होगा, आप ओके बटन को क्लिक करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा यहाँ पे, ऑसम रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली एंड योर कोर्स फी ऑफ 6,000 विल बिकम 5,400, वेयर यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज, इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ रुपीज 600, राइट? एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे. एक बार बात कर लेते हैं हमारे रूटीन की. मॉर्निंग 6:30 AM टू 7 AM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे. 10 AM टू 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे हम करते हैं प्लस क्लासेस, प्लस क्लास का सेशन है ये. 11:30 AM टू 1:30 PM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, जो कि है आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री फ्री फ्री. 2 PM टू 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी. और वहाँ पे अभी हम कर रहे हैं अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग, ग्रामर के टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन और ग्रामर के रूल्स. चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या है हमारे पास. व्हाट इज अ होमोनिम, राइट? सो व्हाट इज अ होमोनिम? बेसिकली अ वर्ड विद द सेम स्पेलिंग. होमोनिम्स
सेम स्पेलिंग्स होते हैं, है ना। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स चेंज सेम होती है, लेकिन साउंड एज अनदर, आवाज दूसरी होती है। आपने सुना होगा होमोफोन्स के बारे में। वॉट आर होमोफोन्स? होमोफोन्स साउंड सेम, साउंड सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग। यहाँ पे होमोनिम्स क्या है? होमोनिम्स का मतलब होता है सेम स्पेलिंग होगी लेकिन साउंड थोड़ा सा टेक्निकली अलग होगा, बट मीनिंग भी डिफरेंट होगी, मीनिंग भी यहाँ पे डिफरेंट होगी, और कई जगह पे स्पेलिंग्स भी आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है। सो आपको ध्यान से समझना है कि व्हाट इज होमोनिम एंड व्हाट इज होमोफोन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारे होमोनिम्स में किस तरह के वर्ड्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और होमोनिम्स हम किस तरह से करते हैं। उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट विद यू अगेन दैट यू गो टू अन अकेडमी, फॉलो मी ओवर देयर। इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई कोड फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, एज वेल एज यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गिव थम्स अप, गिव लाइक टू द टू माई सेशन फॉर ऑन होमोनिम्स। सबसे पहले बात करते हैं एबडिगेशन की। देखिए अब एबडिगेशन एडिक्शन ऑलमोस्ट साउंड सेम, स्लाइटली डिफरेंट इन द मीनिंग, स्लाइटली डिफरेंट इन द स्पेलिंग एंड द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। हाउ? एबडिगेशन का मतलब होता है अ फॉर्मल रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिनाउंसिएशन ऑफ पावर्स, है ना, रेजिग्नेशन या फिर पावर्स चले जाना। ही हिमसेल्फ एबडिकेटेड फ्रॉम हिज पोजिशन ऑफ अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल की पोजिशन से उसने खुद को क्या किया, एबडिकेट कर दिया, रिजाइन करवा दिया। एडिक्शन अ डिवोशन टू और एन अबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होना, डिपेंडेंस ऑन समथिंग स्पेशली जैसे एल्कोहल, नार्कोटिक्स ड्रग, इस तरह की लत होना, बेसिकली उसे हम कहते हैं एडिक्शन। सुमन इज स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम हर ड्रग एडिक्शन। सुमन वाज समबडी हु हैड अ ड्रग एडिक्शन, शी इज ट्राइंग टू रिकवर, राइट। आइए मैं कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और वर्ड्स के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि क्या होते हैं होमोनिम्स, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछे जाए तो जनरली मिसस्पेल्ड वर्ड्स में ये वर्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं। जब हम एरर डिटेक्शन करते हैं और मिसस्पेल्ड वर्ड्स करते हैं वहां पे ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जाते हैं, तो वहां पे इन वर्ड्स का बहुत काम आता है, दे आर ऑफ एम्पल वैल्यू, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड वर्ड, एब्जोर एंड एडजोर। सी देयर इज ओनली अ डिफरेंस इन द वर्ड बी एंड डी, और इल्स द होल वर्ड इज सेम। टू रेनाउंस और गिव अप राइट्स, एब्जोर का मतलब होता है रेनाउंस करना और टू गिव अप राइट्स। एडजोर का मतलब होता है टू रेप्यूडेट, रेप्यूडेट करना। ही एब्जर्ड इज लाइफ ऑफ बैड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, मतलब हैबिट में आ जाना, हैबिचुअल हो जाना, राइट। ही एब्जर्ड इज लाइफ ऑफ बैड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, मतलब उसने हैबिट बना ली है गलत खाने और गलत पीने की। सिमिलरली एब्जर, ABJURE का मतलब होता है टू रिनाउंस और रिनाउंस और गिव अप राइट्स। गौतमा बुद्ध रिनाउंस ऑल अर्थली प्रेजर्स, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, रिनाउंस कर दिया था। क्या रिनाउंस कर दिया था भाई? सारे के सारे अर्थली प्लेजर्स उन्होंने रिनाउंस कर दिए थे, गिव अप कर दिए थे, छोड़ दिया था। एब्ल्यूशन, एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन की मीनिंग दो होती है, स्पेलिंग सेम है। एब्ल्यूशन का मतलब अ वॉशिंग ऑफ वंस बॉडी, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बेदिंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, because of the heat he felt the need of a daily ablution, daily washing of the body, which should definitely be done by everybody every day, but there are people who doesn't do that, so this question is specially for them, right? I hope aap logon mein se koi aisa nahi hai. Absolution matlab free from sin, guilt or blame. Absolution matlab a feeling from sin, guilt or blame. Example, The priest gave absolution to church members, which always makes the parishioners feel a great deal better, right? So priest हमेशा क्या करते हैं, absolution देते हैं church members को, ठीक है? Absolution मतलब free from sin, may you be free from guilt, may you be free from all the blame, इस तरह के church members को क्या देते हैं, absolution देते हैं, संतावना देते हैं, blessings देते हैं, which always makes the parishioners feel a great deal better, right?
जिसकी वजह से जो वहाँ के पैरिशनर्स होते हैं वो लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है रिफ्रेन करना किसी चीज से अपनी चॉइस से। दे देमसेल्व्स एब्स्टेंट फ्रॉम इलेक्शंस, मतलब अपने आप को क्या किया, रिफ्रेन कर लिया, अपनी चॉइस हटा ली, बाय वन्स ओन चॉइस। एब्स्टिमियस, एब्स्टिमियस का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रेन स्पेशली इन द कंजम्पशन ऑफ फूड और एल्कोहल। अपने आप को रेस्ट्रेन करना जब आप बहुत ज्यादा फूड या एल्कोहल कंज्यूम करते हो। हर मदर वॉज नोन एज एन एब्स्टिमोनियस ईटर, मतलब बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा खाना। इस तरह के लोगों को हम वोरेशियस भी बोलते हैं। बोरा का मतलब होता है टू ईट, शियस का मतलब होता है एक्सेसिवली, राइट, टू ईट एक्सेसिवली इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वोरेशियस। हर मदर वॉज नोन एज एन एब्स्टिमोनियस ईटर एंड ड्रिंकर हु ऑलवेज हैड हेल्दी मील्स फॉर हर फैमिली। हेल्दी मील्स तो बनाती हैं, साथ ही साथ वो एब्स्टिमोनियस एब्स्टिमियस भी है, बहुत ज्यादा भी खाती हैं, राइट। Abundant, redundant, abundant का मतलब plentiful, redundant मतलब surplus. Some parts of the world are abundant in natural resources. So कुछ parts दुनिया के full of natural resources, right? Redundant का मतलब होता है surplus, additional चीजें. She edited the removed any abundant, redundant information or statements. उसने रिपोर्ट को एडिट की और कोई भी redundant, मतलब कोई भी surplus information जो थी या statements थे उसे उसने क्या किया, हटा दिया। एक्सेलरेट का मतलब होता है टू स्पीड अप। रेस्टिंग विल ऑफन एक्सेलरेट अ पर्सन्स रिकवरी फ्रॉम इलनेस। एक्सिलरेट का मतलब होता है टू कॉज समवन टू फील वेरी हैप्पी, किसी को बहुत हैप्पी फील करवाना। नोइंग दैट आवर चिल्ड्रन हैव पास्ड देयर एग्जाम विल सर्टेनली एक्सिलरेट अस। हमारे बच्चे पास हो चुके हैं, ऑटोमेटिकली वो एक खुशी उपहास का उपहास का कारण हो जाता है, राइट, वो एक बहुत खुशी का मौका हो जाता है, कारण हो जाता है। सो जिस दिन आप लोग भी एग्जाम निकाल लेंगे उस दिन आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी एक्सिलरेटेड डे होगा, मतलब बहुत ही खुशी भरा उत्साहित दिन होगा, राइट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ रोज बने रहें और सेशन को भी लाइक करें। And you can follow me on Unacademy. My name is ANCHALSINGH. मैं हूँ आपकी आंचल मैम जिसके साथ आप करते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन। एक्सेंट, असेंट, एसेंट, साउंड सेम, ऑलमोस्ट वर्ड्स में भी सेम है, सिमिलैरिटीज है, स्पेलिंग्स में भी स्लाइटली डिफरेंट। एक्सेंट का मतलब होता है स्ट्रेस ऑन अ सिलेबल, जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो एक्सेंट हो गया, राइट। द वर्ड वुमन हैज इट्स एक्सेंट ऑन द फर्स्ट सिलेबल, ठीक है। जस्ट अ क्वेश्चन मेड ऑन एक्सेंट बाय मी, एक्सेंट ऑन मी। एसेंट का मतलब क्या होता है, राइजिंग और क्लाइंबिंग, राइज करना या फिर क्लाइंब करना। द असेंट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्लाइंब करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। असेंट मतलब कंसेंट लेना, किसी की हामी भरवाना। ही वॉज विलिंग टू असेंट टू हर रिक्वेस्ट, मतलब वो उसकी रिक्वेस्ट पे हाँ भरने, हाँ बोलना चाहता था। He was willing to assent to her request. He wanted to give his consent to her request, right? Dam का मतलब, और dam का मतलब क्या होता है, बहुत बार हम use करते हैं, a body of water, एक dam होता है, body of water, controlled by an obstruction of earth, concrete, etc. बना देते हैं pillars जिससे पानी रुकता है। The dam was built to control the flow of river. Unfortunately, it is also endangering many buildings. Building on the nearby land, okay? And dam का मतलब होता है to doom, है ना, damage, doom, all these. Some people believe that moral misconduct by those who commit such acts will damn them to eternal punishment. उसकी वजह से eternally they will be punished, spiritually they will be punished, right? ऐसे misconducts करने के लिए spiritually they will be punished, which is so true, so right, right? So इसीलिए dam की meaning और dam की meaning अलग अलग है, but sounding same, spellings be almost same. Deadly or deathly का मतलब क्या होता है? Deadly मतलब excessively accurate and effective. Perfect, it is a deadly combination, perfect combination, right?
ही हैड अ डेडली एम विथ हिज बो एंड एरो, मतलब उसका उसका उसके एरो और उसके बो का जो निशाना था वो एकदम डेडली था, एकदम परफेक्ट था, राइट। डेथली मतलब क्लोज टू डेथ और डाइंग। ही बिकेम डेथली इल, वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि वो ऑलमोस्ट डेथ के बेड तक पहुंच गया, डेथ बेड तक पहुंच गया, राइट। डेथली का मतलब होता है क्लोज टू डेथ और डाइंग। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिसीज। डिसीज का मतलब होता है टू डाई और डेथ, बट डिजीज का मतलब होता है अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स द फुल एंड हेल्दी कंडीशनिंग ऑफ एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। द क्रॉप्स इन द फील्ड अपीयर टू बी डाइंग ऑफ अ डिजीज, कोई डिजीज लग जाना है ना, कोई ऐसा कंडीशन जिसकी वजह से हेल्दी कंडीशन खराब होने लगे। विच वॉज टर्निंग द लीव्स डाउन। सिमिलरली डिसीज का मतलब द न्यूज पेपर कैरीड आउट एन आर्टिकल क्लैरिफाइंग द डिसीज ऑफ द पॉपुलर डॉक्टर, द डेथ ऑफ द पॉपुलर डॉक्टर। Somebody passed away. कोई अब जिंदा नहीं है, राइट। समबडी पास अवे, तो डिसीज और डिजीज ऑलमोस्ट साउंड तो सेम कर ही रहे हैं, साथ ही वर्ड्स भी सेम है ना, थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है इनकी वर्ड, इनके इनकी स्पेलिंग्स में, बट मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। सो हाउ मेनी वर्ड्स डिड वी डू टूडे इन आवर होमोनेम्स? एबडिगेशन, एडिक्शन, abjure and adjure, ablution, absolution, abstain, abstemious, abundant, redundant, accelerate, exhilarate, accent, ascent and ascent, dam and dam, right, deadly, deathly, deceased and received. So this was all. I hope I was capable of telling you how can you make use of these homonyms which sound similar and but is different in meaning, and you can definitely use them. These will help you in answering misspelled words, misspelled questions. जहाँ पे आपके questions में misspelled words होते हैं या brackets में दो words दे दिए होते हैं, आपको बताना होता है which one is correct. So according to its meaning, you have to tell which one is correct. दोनों sound same करेंगे, spelling same होगी, but meaning may they will be different, so you have to understand the meanings. We will definitely come up with more and more questions which will be related to this. Soon we will come up with another session, and till then take care, goodbye. Like karna na bhule session ko, aur channel ko bhi like share aur subscribe karna na bhule, aur mujhe Unacademy pe follow karna bhi na bhule. Jaake Unacademy pe type kijiye Unachalsingh and press on follow button to see all my free sessions which will be very very helpful for you for clearing your IBPS RRB PO mains as well as your IBPS PO exams. And there are only 20 days left, so I wish you all the best. Please make a schedule, make a proper program, make a proper schedule of yours. How are you going to study? How are you going to use the strategies? How are you going to prepare? Okay, and if you want to buy any subscription, you can use my code ANLIBE. Thank you for joining me in this session. Thanks a lot. Channel ko like, share, subscribe karna na bhule. See you in the next session. Goodbye, take care.